संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर बदले की कार्यवाही का आरोप लगाया है। कर्मचारियों की आवाज उठाने वालों को सरकार तबादलों का तोहफा दे रही है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हक की आवाज उठाने वालों के तबादले कर रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कुछ जय चंदों की बातों में आ रहे हैं, जिसको सरकार को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी तबादलों से डरने वाली नहीं है, सरकार शक्तिशाली है, वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारी नगर निगम व विधानसभा चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को जिस तरह से सरकार ने प्रताड़ित करने का जो काम किया है, और कुछ जो एनपीएस के कर्मचारी है उनके ऊपर जिस तरह से एफआईआर की गई, या फिर कर्मचारियों को जो है तबादला के तहत जो है एक प्रताड़ित करने और मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास हिमाचल सरकार कर रही है, वो मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी 21-22 साल का एक लंबा कार्यकाल हो गया है शिक्षा विभाग में। ये कर्मचारी इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कर्मचारियों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ जो कर्मचारी मुख्यमंत्री को जय जयकार करते हैं, उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री बार आके उनको शाबाशी भी देते हैं, उनकी पीठ भी थपथपाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें सहयोग भी करें, आपको हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो कर्मचारी मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो कर्मचारी जो है कर्मचारियों के मुद्दों को संगठन उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और एक इस तरह का जो सरकार का रवैया है, मुझे लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अगर ये सोच रही है कि हम कर्मचारियों को प्रताड़ित करें और उसके बाद जो है हम जो है इस जो मुद्दे है, चाहे वो पेंशन का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, या पे विसंगति का मुद्दा है, जिसको लेके हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया है और लगातार हमने उसको लेके हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों तक अपनी बात पहुंचाई है, उन खामियों को पहुंचा है, हम बड़ी शालीनता से जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को सरकार के समक्ष हमने समय समय पर रखा है। लेकिन सरकार ने हमें जिस तरह से देशद्रोही और प्रदेश के लिए हमें कोई आंदोलनकारी बार बार मंचों से कहा है, तो हमें उन्हें कहना चाहते हैं कि इससे जो है आपके जो इरादे हैं और जो आपके जो मंसूबे वो पूरे होने वाले नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जो है उसका जवाब देना जानते हैं, हम इसका जवाब देंगे। अभी इसका जवाब आपको जो यहाँ पे चुनाव होने एमसी के चुनाव होने हैं या लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जो है कर्मचारी उसका जवाब आपको देंगे। आप कर्मचारियों को इस तरह से प्रताड़ित करके उनको दबा के जो है हिमाचल की सत्ता हथिया नहीं सकते, ये आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा। एक तरफ तो जो है आप जो है कर्मचारियों के लिए जो अपने माननीयों के लिए जो है आप विधानसभा के अंदर जो है भत्ते बढ़ाने की बात करते हैं, फिर उसको बोलते हैं आप मीडिया कर्मियों को धमकाने की बात करते हैं कि आप गलत खबरें लगाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी इतना समझते हैं कि अगर आपने 7500 रुपये बढ़ाया है तो वो किस कैटेगरी में आता है, अगर वो भत्ते नहीं है तो क्या चीज़ है, हमें ये बताई जाए। हम कर्मचारी ये जानना चाहते हैं, वो अलाउंस नहीं है तो क्या है, वो किस तरह का, वो आपने क्या उस एक किस तरह की आपने वो खरत बांटी है माननीयों को। अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर हम मानने की बात करते हैं, हम कुछ अगर अलाउंसिस की बात करते हैं, एनोमली की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं।